पंचकुला के लोगों को हरियाणा सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दमकल विभाग के बेड़े में अब और 100 नई मोटरसाइकिलें शामिल की गई हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इन मोटरसाइकिलों को सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि दमकल सेवाओं को लगातार बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और इन मोटरसाइकिलों की मदद से अब तंग गलियों में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर आसानी से वक्त रहते काबू पाया जा सकेगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि वहां वक्त रहते मूलभूत फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जा सके। इसके अलावा उन्हें भविष्य की योजनाओं के बारे में भी फाइल भेजने को कहा गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और बाकी शैक्षणिक संस्थाओं को भी नोटिस जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के सवाल पर बोलते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, इसका फैसला दोनों पार्टी मिलकर करेंगी। सीएसआर से हीरो मोटोकॉर्प ने 100 बाइक्स फायर सर्विसेज को दी है। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अधिकतम फायर की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज हैं उनमें रिपोर्ट होती है, जहाँ पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुँच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज्ड एरियाज में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुँचाने में फायर डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी दिखाने का काम करे। और हमने पिछले समय मोबाइल पीछे अधिक ऐसे कदम उठाए जिनने फायर सर्विसेज को बेटर इक्विप कैसे किया, जिसमें अब आई पावर में केस गया हुआ है जहां 80 मंजिल तक के भी जो फायर टेंडर्स हैं वो हम परचेज कर रहे हैं कि 80 फ्लोर हाइट पर भी अगर आग जिनी होती है तो उसको हम टाइमली टिकअप कर पाए। हमारे जो 7 शहर हैं जिनमें 10 मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट्स या और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हैं उनको देखते हुए उन सब के अंदर भी जो हमारा 80 मीटर ऊंचा फायर टेंडर होता है उसको प्रोक्योरमेंट का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। प्लस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे HSIDC और HSVP के सेक्टर्स में एलोकेटेड फायर स्टेशन के स्पॉट्स थे उसको अब हमने प्रोसेस को टेकअप किया कि वो ट्रांसफ़र फायर डिपार्टमेंट के नाम हो जाए कि वहाँ पर भी फायर स्टेशन टाइमली कंस्ट्रक्ट हो पाए। मंत्री जी ने भी 2 साल पहले इसको एक टारगेट लिया, हमने भी इसको आगे लेकर जाने का काम किया और आज जितनी हमारी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको सबको ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुके हैं कि टाइमली बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और फिर उसके साथ साथ प्लान फॉर फ्यूचर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वो डिपार्टमेंट को पुट अप करें। और अब धीरे धीरे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी नोटिसेज इशू कर दिए गए हैं, जितने हमारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हम नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ प्राइमरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मुझे लगता है मैंडेटरी है और टाइमली उनको भी हम टेक अप करेंगे। सर भैया आवाज़ अटिंग चल रही है, अलग अलग आवाज़ आ रही है पर चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं क्या है आवाज़ नहीं तो कई बैठकों का दौर इनका हुआ है पर मुझे नहीं लगता कि कहीं सहमति इन लोगों की बनी है। अगर सहमति बनती तो अब तक ये सीट शेयरिंग भी इशू कर देते और आने वाले भविष्य भी मुझे इसको कोई गति मिलती नहीं। सर लोकसभा चुनाव जी ने भिवानी की जो सीट है वो अनाउंस कर दी है सर, उसको लेकर आवाज कर लो आवाज नहीं है क्योंकि आपका गठबंधन भी है, कोई चर्चा पहले हुई या आवाज ऊपर कर लीजिए ऊपर आवाज। भिवानी लोकसभा सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सांसद रहे हैं, मुझे लगता है कि संगठन के तौर पर आज के दिन हमें काम करना है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम में जुट जाए। सर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी JJP ने शुरू कर दी है? हमारी 6 लोकसभा क्षेत्रों की रैलियाँ हो चुकी हैं, 6 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर भी जल्द रैलियाँ करेंगे और मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ता पूरी तौर पर तैयारी में
हमारा प्राइमरी फोकस विधानसभा का है, मगर विधानसभा का बेस लोकसभा बनेगा और उसके राजस्थान में इंडिपेंडेंट पीछे कर ले यार, राजस्थान में लोकसभा पार्टी अगर हम अपने संगठन का जो विस्तार है पीछे किया है उसको चलो हरियाणा सरकार का मैटर है, मुझे लगता है कि ईडी इस पे आपको बेटर ब्रीफ देगा। सर आप सभी लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे बीजेपी के गठबंधन के साथ ही आप नहीं उम्मीदवार हैं? तो दोनों पार्टियां मिलकर फैसला करें। ट्रैक एंड ट्रेस को लेकर भी एक मीटिंग करी आज आपने? देखिए सक्सेसफुली एक महीने से ऊपर हो गया, प्रदेश भर में ट्रैक एंड ट्रेस लागू है और पीछे कंप्लेंट आ रही थी कि प्रोसेस स्लो थे, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए डायरेक्शन दे दी गई थी। थोड़ा सा क्योंकि नई चीज़ थी इसमें ग्लिचेस टीथिंग प्रॉब्लम आती है, पर मुझे लगता है कि आज से सुचारू तौर पर आगे चलेगी। ठीक, मुझे लगता है एक कहावत है, राज और खाज तो खुद करे मजा, और उस कहावत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये जितने टायर्ड रिटायर्ड के आसपास के लोग हैं ये हमारी जैसी पीढ़ी को आने देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जनता इस पे फैसला करेगी, और जिस तरह का ये जो चार प्रदेशों में चुनाव हुआ है, ये जो ना टायर्ड ना रिटायर्ड वाली कैटेगरी के लोग हैं उन सबको जनता ने बाहर कर दिया। अच्छा सर, अगर लोकसभा के साथ विधानसभा भी अगर देखिए, मैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हूँ, ये रिसोर्स भी बचाता है और रिसोर्स के साथ साथ इससे पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है, मगर आज की परिस्थिति में वो तो कमेटी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी है, कब उसका निर्णय होगा क्या निर्णय होगा उसके इंतजार करें। ठीक है, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।